स्टूडेंट श्री श्याम महाविद्यालय चलवा जी की तरफ से सभी ऑनलाइन क्लास लेने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। पहले से पहले आपको इसका सामान्य परिचय दिया गया था। मानव भूगोल, आज मानव भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक चलेगा विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां जो आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण है, आपका जो सिलेबस है उसमें विश्व की प्रमुख जनजातियां एस्किमो, बुशमैन, बुशमैन इसके अलावा नागा, गौंड जनजातियों का अध्ययन भी आपके सिलेबस में है। आज हम आपको एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ाए जो विश्व की प्रमुख जनजाति है। एस्किमो जनजाति प्रमुख जनजाति है विश्व की। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला क्या कहलाता है? एस्किमो, एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। इसके अलावा इसकी जो शारीरिक बनावट के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका भौगोलिक पर्याय, खान पान, सांस्कृतिक वातावरण, रहन सहन और ये कहां पाए जाते हैं। एस्किमो का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हमें यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि एस्किमो विश्व में कहां कहां पाए जाते हैं। विश्व में एस्किमो कहां कहां पाए जाते हैं, इसके लिए हम विश्व का मानचित्र ट्रेस कर लेते हैं, जिससे हमें ये सुविधा है कि एस्किमो यहां पाए जाते हैं। स्टूडेंट भूगोल के समस्त स्टूडेंट भौगोलिक मानचित्र वाक्यों का भी अवलोकन करेंगे और उन्हें ट्रेस करना भी सीखेंगे, जिससे उन्हें मानचित्रावली का अभ्यास हो सके।
प्रकार मानचित्र बनाने के बाद में हमें सबसे पहले इस भाग का अध्ययन करना है कि एस्किमो का विश्व में निवास स्थान कहाँ है, अर्थात विश्व के कौन से भाग में एस्किमो निवास करते हैं। तो एस्किमो विश्व के मुख्य भाग में साइबेरिया, साइबेरिया, ग्रीनलैंड का पूर्वी भाग, अलास्का, बेरिंग की खाड़ी में एस्किमो मुख्य रूप से निवास करता है और वही एस्किमो जो क्या खाता है, कच्चा मांस। इसमें नक्शे में हम देखेंगे कि साइबेरिया कहां है। छात्र, साइबेरिया ये जो उत्तरी ध्रुव है विश्व में, इस तार उत्तरी ध्रुव की तार साइबेरिया है। साइबेरिया इस प्रदेश को क्या नाम दिया गया है? साइबेरिया ये है साइबेरिया। इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं और वो है कुंड्रा प्रदेश। साइबेरिया और कुंड्रा प्रदेश में कौन पाए जाते हैं? एस्किमो पाए, कौन पाए जाते हैं? एस्किमो पाए जाते हैं। साइबेरिया है कहां? साइबेरिया कहां है? साइबेरिया की धरती का ऊपर जो स्थान है वो साइबेरिया, जहां ओ पाए जाते हैं एस्किमो। इसके अलावा ग्रीनलैंड का पूर्वी भाग, ग्रीनलैंड ये भाग ग्रीनलैंड है, और इस ग्रीनलैंड का पूर्वी भाग कौन सा होगा? ये देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये पूरब, और ये पश्चिम। अब ज्यादातर कहां पाए जाते हैं? पूर्व में, यहां एस्किमो पाए जाएंगे। ग्रीनलैंड का पूर्वी भाग, बेरिंग की खाड़ी, बेरिंग की खाड़ी ये है बेरिंग की खाड़ी, जहां एस्किमो पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो भाग है ये क्या हो गया? अलास्का। इसके अलावा इधर क्या हो गया? अलास्का। तो अलास्का साइबेरिया, ग्रीनलैंड का पूर्व भाग, अलास्का और बेरिंग की खाड़ी में मुख्य रूप से एस्किमो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आइसलैंड है, छोटे द्वीप हैं, यहां भी अलास्का ये भी बेरिंग की खाड़ी के पास है, इसलिए यहां भी अलास्का पाए जाते हैं। ये है एस्किमो का मुख्य निवास क्षेत्र। अभी पाए कहां जाते हैं? सी प्रदेश में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जनजाति है। सी प्रदेश में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जनजाति है, जिसको इसे किसके आधार पर
क्षेत्र के आधार पर अन्य नामों से भी जाना जाता है। कैसे? जिस प्रकार साइबेरिया का कौन सा भाग, ये बिल्कुल उत्तरी पूरी वाला भाग, इसको कहा जाता है यहां याकूत और चुकची। क्षेत्र के आधार पर इसका नामकरण है याकूत और चुकची। यहां याकूत चुकची कहते हैं। इसके अलावा यहां क्या कहते हैं, स्कैंडिनेविया में इसे लैप्स कहते हैं। देखिए लैप्स, याकूत और चुकची क्षेत्र के आधार पर इसका ही नामकरण है। इन्हें भी क्या कहते हैं, एस्किमो ही कहा जाता है। ये एस्किमो के क्षेत्र के आधार पर पाए जाने वाले उपनाम हैं। इसके अलावा देखिए ये कौन सी प्रजाति की है, प्रजाति जाति और प्रजाति, जाति और प्रजाति के संबंध में डिफिकल्ट नहीं बताया कि जाति और प्रजाति। तो प्रजाति क्या है, प्रजाति है कि प्रजाति किसको प्रकट करती है, प्रजाति प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, प्रकार करती है, सभ्यता को नहीं। इन्वर्टेशोमा बंद, इन्वर्टेशोमा शुरू। किसने कहा था, ग्रिफिथ टेलर ने। तो बताइए हमें क्या ज्ञात करना है कि प्रजाति, तो ये यहां पर रहने वाले एस्किमो जो सी प्रदेश में निवास करते हैं, ये कौन सी प्रजाति के हैं, मंगोल प्रजाति के हैं, मंगोल प्रजाति। मोस्ट एस्किमो कौन सी प्रजाति के हैं, एस्किमो कौन सी प्रजाति का हुआ, मंगोल प्रजाति का हुआ, मंगोल प्रजाति का है। इस तरह प्रजाति है। अब प्रजाति है तो इसकी सार बनावट कैसी है, शारीरिक बनावट, एस्किमो का शरीर कैसा है, एस्किमो का जो शरीर का रंग है वो पिंक कलर का है, आकार पिंक कलर, पिंक कलर, ललाट चौड़ी, नाक लंबी, बोहें उठी हुई, उठी हुई नाक है लंबी चौंच जैसी, शरीर गठीला सुडोल लंबा आकार विशाल, जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट, कलर पिंक आकार साफ कलर। तो ये किसकी बनावट है, एस्किमो की सार बनावट है कि ये पिंक कलर का, ललाट चौड़ी, नाक लंबी चोंच जैसी, बोहें उठी हुई, शरीर गठीला सुडोल लंबा विशाल, मजबूत टांगे, मजबूत टांगे और भूरी आंखें,
का साइड बनावट है। इसके अलावा निवास और साइड बनावट के बाद में है भौतिक पर्यावरण, एस्किमो का भौतिक पर्यावरण किस प्रकार का है। एस्किमो का मुख्य जो भौतिक पर्यावरण है वो सिंक प्रदेश में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जनजाति है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा भूमि है? उत्तरी भूमि। आप उत्तरी भूमि है तो यहां सबसे ज्यादा शीत पड़ती है, जहां 8 महासूर्य के 10 महीने, केवल 4 महापतझड़ एवं सूर्य की रोशनी दिखाई देती है। तो इतने कठोर पर्यावरण में पाई जाने वाली ये एक महत्वपूर्ण जनजाति। इसका ये 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान अर्थात कभी कभी तापमान -49 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ये अत्यधिक शीत प्रदेश में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण जनजाति है, जो कठोर पर्यावरण में रहती है, जहां कभी सूर्य के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। 8 महापतझड़ दिखाई नहीं देता और 4 महापतझड़ है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान चला जाता है। कभी कभी तो तापमान -49 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये एक कठोर शीत पर्यावरण में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जनजाति है। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद में निवास के मुख्य स्तर में अब हम आपको आगे बढ़ेंगे कि एस्किमो कहां जो निवास करते हैं उनका रहने का निवास स्थल कैसा होता है। वैसे ये मानचित्र हम यहां तक भी ट्रेस कर सकते थे। क्यों? क्योंकि निचले वाले भाग में एस्किमो निवास नहीं करते। जो इनका रहने का निवास है एस्किमो इन बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ये बर्फ है चारों तरफ, तो बर्फ की सिल्लियों से जैसे ये सिल्ली लगाई, इस तरह ये सिल्ली लगा दी, ऐसे ये सिल्ली लगा दी। आप ये जो सिल्ली लगा दी और इसको थोड़ा अंदर तक क्या खोल दिया करता है, जैसे क्या है बर्फ है। आप ये जो बर्फ की सिल्ली से जो मकान बना दिया और इसमें कौन रहने लग गया? एस्किमो। क्या रहने लग गए? एस्किमो। तो इस जो मकान है इसको नाम दिया गया इग्लू। क्या नाम दिया गया? इग्लू। बताइए इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? इग्लू क्या हो गया? एस्किमो का बना बर्फ का घर। क्या कहलाता है घर? क्या कहलाता है?
इग्लू क्या है? एस्किमो का बना बर्फ का घर जिसमें एस्किमो निवास करता है, उसको क्या कहते हैं? इग्लू। बताइए ये इग्लू कहाँ पाए जाते हैं? ये इग्लू यहाँ पाए जाते हैं। कौन बनाते हैं? एस्किमो। इसके बाद में क्या इनका आजीविका का मुख्य साधन क्या है? आजीविका अर्थात ये क्या खाते हैं? आजीविका देखिए, ये शिकार पे अपना जीवन यापन, हंटिंग करना उनका आजीविका का मुख्य साधन है। अब हंटिंग में किसका करते हैं? देखिए खरगोश, नील गाय, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू, रेंडियर, कुत्ता, रेंडियर, कुत्ता, मेघ आदि जानवरों का ये क्या करते हैं? शिकार करते हैं। और मछली, जिनमें मुख्य मछली कौन सी, जिसका ये क्या करते हैं? शिकार, सील मछली का ये शिकार करते हैं। तो आजीविका में क्या करते हैं? ये हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, जिसमें खरगोश, नीलगाय, ध्रुवीय भालू, रेंडियर, कुत्ता, वेल आदि जानवरों का ये शिकार करके अपना भरण पोषण करते हैं। एस्किमो का भरण पोषण का मुख्य साधन ही क्या है? हंटिंग है, शिकार करना। अब इस शिकार करेंगे तो कैसे करेंगे? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शिकार में ये दो प्रकार से शिकार करते हैं, एक है ग्रीष्मकालीन और दूसरा है कौन सा? बसंतकालीन शिकार। ऐसे तो शिकार करने जब निकलता है शिकार के लिए, जब एस्किमो निकलता है तो वो अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के साथ निकलता है। कि जैसे परिवार के सदस्य कितने हैं? 10। और 10 क्या है? रिश्तेदार। जैसे ये परिवार और ये क्या है? सगे संबंध, उनको लेकर के शिकार के लिए निकलता है। ये हाथ में भाला मुख्य रूप से, भाला मुख्य रूप से रखते हैं। और इस मुख्य जो भाला है इसको क्या नाम दिया? इसको जो मुख्य है इसको कहते हैं हारपून। हारपून क्या है? इनका भाला। हारपून क्या है? भाला है। और ये जो शिकार करती है ग्रीष्मकाल में, इस
भाले के अलावा कभी कभी ये शिकार करने के लिए एक गाड़ी रखते हैं जिसका नाम क्या है, स्लेज है। स्लेज स्लेज क्या है? देखिए स्लेज है एस्किमो की बिना पहिए की गाड़ी, बिना पहिए की गाड़ी, एस्किमो की बिना पहिए की गाड़ी जिसे कौन खींचता है बताओ? रेंडियर कुत्ता, रेंडियर कुत्ता। स्लेज क्या है, हार्पून क्या है? स्लेज और हार्पून, स्लेज हार्पून भाला है, स्लेज बिना पहिए की क्या है, गाड़ी है जिसको कौन खींचता है, कुत्ता। जैसे ये गाड़ी और इसको कौन खींचता है, ये और ये डॉग, इसमें कौन बैठ गया, ये ऐसे कौन से प्रदेशों में, ये देखो ये क्या है बाघ और ये क्या है कुत्ता, ये क्या है कुत्ता डॉग, ये क्या है स्लेज गाड़ी। तो स्लेज क्या है, बिना पहिए की गाड़ी, इसके पहिए हैं नहीं, ये डिग गई, यहां खींच रहा है कौन, कुत्ता। ये कौन बैठे ऐसे, किसके लिए जा रहे हैं, शिकार के लिए, शिकार के लिए। कौन कौन जा रहे हैं, सगे संबंधी सब शिकार के लिए जा रहे हैं। आप शिकार करने के लिए जाएंगे तो जंगल में जाकर किसकी प्रतीक्षा करेंगे, शिकार की प्रतीक्षा करेंगे। शिकार इतनी जरूरी है कि जाते ही उनको शिकार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्या करते हैं कि जैसे ये क्या है, ये झाड़ी, ये क्या है, ये झाड़ी, ये छोड़ लेते हैं और घना जंगल है। अब इस जंगल में क्या है कि जैसे ये क्या है, शिकार है और इधर ये बहुत बड़ा क्या है, ये भालू। अब ये क्या करेंगे कि इन झाड़ियों के पीछे छुप करके हाथों में भाला लेकर के एस्किमो छिप जाएंगे, छिप गई एस्किमो, छिप गए। ये क्या है, बहुत बड़ा झाड़ है ये। अब इधर वाला छिप करके क्या कर रहा है, इस शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है, इसका क्या करना चाहता है, हंटिंग करना चाहता। ये आवाज निकालेगा, अब इसकी जो प्रतीक्षा करना है छिप करके, बताओ इसको छिप करके जो प्रतीक्षा कर रहा है इसको किस नाम से जानेंगे, माऊ को। माऊ को क्या है, माऊ को क्या है, छिप करके शिकार की
प्रतीक्षा करना माल को कहता है। वेरी मोस्ट माल को क्या है, स्लेव्स क्या है, हार्पून क्या है। अभी छिपकर के कहते यहां पर ये क्या खोद देंगे, गड्ढा खोद देंगे। अब इस गड्ढे के ऊपर पत्ते बिछा देंगे, जिस का इधर से तोड़ेगा और जिस का भर करके इसमें आकर के गिरेगा, गिरते ये भागेंगे और विष लगे भालों से ये एस्किमो इसका क्या कर लेंगे, शिकार कर लेंगे, इसको मार देंगे, भालों के माध्यम से इसको मारेंगे और ये इस गड्ढे में मर जाएगा। मरने के बाद में इसको बाहर निकाल करके, इसको बाहर निकाल करके सभी सगे संबंधित किसमें बांट लेंगे, ये अपना भोजन करेंगे। देखो ये भोजन करेंगे, भोजन को कभी ये छुपा लेते हैं, अर्थात कभी भोजन लेने में तो हम भोजन के रूप में इसका प्रयोग कर सकें। तो ये है माँ को पत्ती से शिकार कर, कौन सी पत्ती से शिकार करना, माँ को पत्ती से शिकार करना, इसमें किसकी आवश्यकता है, सगे संबंधियों की आवश्यकता होती है। तो ऐसा शिकार ये ग्रीष्मकालीन ऋतु में करता है। इसका परिवहन का मुख्य साधन क्या है, जो आपको मैंने बताया। इसके बाद में वसंत ऋतु में क्या करते हैं, ये मुख्य रूप से शिकार सील मछली का करते हैं। इसका करते हैं सील मछली का शिकार मुख्य रूप से करते हैं। सील मछली, सील मछली का शिकार, सील मछली का शिकार ये जब बर्फ जम जाती है, किसके ऊपर, पानी के ऊपर बर्फ की पर जम जाती है और नीचे क्या भरा रहता है, पानी, नीचे पानी भरा। अब इस पानी में क्या है, मछली, पानी में क्या है, मछलियां हैं, पानी में मछलियां घूम रही है। अब इस पानी में जो मछलियां घूम रही है, एस्किमो यहां ऊपर हाथ में भाला लेकर के खड़ा हो जाता है। ये हाथ में क्या करेगा, बर्फ को भाले से छेद कर देगा, पीछे बर्फ में क्या कर देगा, छेद कर देगा। छेद होते ही ये मछली श्वास लेने के लिए ऊपर आएगी, जैसे गीता और इसको ये तुरंत किससे मारेगा, भाले से शिकार कर लेगा। तो ये है छिद्रित विधि, कौन सी विधि, छिद्रित विधि से शिकार करना। इसी के अनुसार ये जैसे एस्किमो है, इसमें कई बार जैसे ये यहां हड्डी का टुकड़ा या हड्डी का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा, इसका टुकड़ा मांस का टुकड़ा लटका है, मछली भोजन स्वरूप इसे दंत से खाने के लिए इसके पास आएगी और
एवं यहां खड़ा होकर के भाले के माध्यम से मछली का शिकार किया। तो ये शिकार की पत्तियां है, इसने इतुपा पत्ती भी कहा जाता है। तो ये है। इसके अलावा ओ एस्किमो की जो हंटिंग करने की पत्ती है, सील मछली का शिकार करने के बाद इसका उपयोग क्या करता है? देखिए, सील मछली का मुख्य उपयोग है इसके मांस को खाना। मांस को क्या करेगा? खाएगा। इसके अलावा इसकी जो खाद है उनके बनाएगा वस्त्र जिनको ये पहनेगा। इसके अलावा इसकी जो चर्बी है, चर्बी को ये इग्लू के सामने जलाएगा। किसके समय? रात के समय, जिससे जंगली जानवर आने सके। महिलाएं चर्बी का चेहरे पर ले, क्योंकि उनकी क्या बनी रहे? सुंदरता बनी रहे, उनकी सुंदरता ब्यूटीनेस का बनी रहे। इसके लिए वो सील मछली की चर्बी को अपने शरीर पर और चेहरे पर लेती है, जिनसे चमड़ी उनकी क्या बनी रहे? मुलायम। चमड़ी मुलायम क्या बनी रहे? चमड़ी मुलायम बनी रहे। इसके अलावा एक पॉइंट है वस्त्र। एस्किमो कौन से वस्त्र पहनता है? वस्त्र पहनने के एस्किमो, देखिए एस्किमो पत्तों की छाल, पत्तों की छाल अपने बदन को अर्थात कमर से नीचे ढकता है। कमर से नीचे ये बहुत कम वस्त्र पहनता है, ये बहुत कम वस्त्र पहनने वाला प्रमुख जनजाति वाला क्या है? मानव। क्या है? मानव, जो बहुत कम वस्त्र पहनता है। इसके अलावा सील मछली की खाल से बने जूते भी पहनता है, जिन्हें क्या कहते हैं? कार्मिक। क्या कहा जाता है? कार्मिक कहा जाता है। कार्मिक क्या है? एस्किमो के पहने जाने वाले जूते। ये क्या है? एस्किमो के पहनने वाले प्रमुख वस्त्र हैं। इसके अलावा एस्किमो का हमने हंटिंग पढ़ा, शादी बाहर पढ़ी, निवास स्थान पढ़े। इसके अलावा जो शारीरिक बनाव पड़ी, इनका सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है? इस सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत एस्किमो लगभग 10 या 20 झोपड़ियों के झुंड में रहने वाली जनजाति है। ये मुख्य रूप से सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भाग लेती है और उत्सव मनाती है। इसके अलावा
कभी कभी ये सोमरस का भी प्रयोग करते हैं। तो ये इनका सांस्कृतिक वातावरण है। वर्तमान समय में एस्किमो की स्थिति क्या है? देखिए वर्तमान समय में ये वर्तमानकालीन स्थिति, वर्तमानकालीन स्थिति में ये विकसित देशों के पड़ोस में रहने वाली जनजाति है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है। वर्तमान समय में ये शहरों के पास में आकर के अपना खाद्यान्न वस्तु जो जैसे गोंद है, शहद है, उसको लाकर के शहरों में बेचते हैं। सभ्यता के चकाचौंध से ये डरे हुए रहते हैं, लेकिन वर्तमान में वहां की सरकारें इनमें दिन प्रतिदिन सुधार करती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये भी सभ्य जीवन जी सके, इसलिए एस्किमो वर्तमान में बहुत कम संख्या में रह गए हैं। ओ धीरे धीरे सरकारें इन्हें सुविधा देकर के इनके सारे और इसमें स्वास्थ्य और जीवन यापन की भौतिक सुविधाएं देकर, जीवन यापन की भौतिक सुविधाएं देकर के इन्हें सभ्य मानव बनाया जा रहा है। कौन सा मानव? सभ्य मानव बनाया जा रहा है। इसके अलावा सभ्य असभ्य जाति जनजाति अर्थात ये क्या है? जाति है या जनजाति है? तो ये है जनजाति। जनजाति का अर्थ क्या है? वह मनुष्य जो है तो मानव है, तो मानव, लेकिन वो सभ्यता के प्रभाव से वंचित है, वो जंगलों में अपना जीवन जीता है, उसको जनजाति के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। आज आपको एस्किमो जनजाति के बारे में समझाया। आगे आपका पॉइंट होगा बुशमैन। धन्यवाद।